राजस्थान में उपचुनावों को लेकर लगातार हल्ला बोल है और लगातार आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां भी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार लगा रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव की तैयारियों के बीच दोनों ही पार्टियों का एक आरोप एक दूसरे पर लगातार मिलता जुलता सा है और वो है जातिवाद का दाव। और आज इसी को लेकर हमारी आज की चर्चा भी है और हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो है विकास की बात या फिर जातिवाद का उपचुनाव। नमस्कार, मैं लीजा चंदेल जुड़ी हूँ आपके साथ। आज चर्चा को हम लेकर बात करने वाले हैं बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ हितेंद्र शर्मा जुड़े हैं। हितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जितेंद्र सिंह नरुका जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग नोट हम लोग लेना चाहेंगे बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके से। शुरुआत कीजिए सर। देखिए, ये जो उपचुनाव है इसमें हमारा मुख्य और मूल मुद्दा विकास है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती। हम सभी जाति वर्ग धर्म को लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी में सभी तरह के व्यक्तियों को टिकट दिए गए हैं। विकास हमारा मूल मुद्दा है। हम हमारे 10 महीने के कार्यकाल, डबल इंजन की सरकार और विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी। जी जितेंद्र जी, चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, और अभी भाई साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो बता रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने सरकार, जब सरकार आपकी बीजेपी की बनी, आप उससे पहले घोषणा पत्र लेके आए थे। घोषणा पत्र के अंदर जितनी सारी योजनाएं थी, जितनी आपने घोषणाएं की थी कि सरकार में आने के बाद हम ये सब करेंगे, आप सिर्फ मुझे उसका 10% घोषणाओं का कि आपने पिछले 10 महीने में राजस्थान में सरकार बनाने के बाद में युवाओं के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए आपने काम किया, हेल्थ पे क्या काम किया, आप मुझे गिनाइए। आप किस आधार पे आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने? आपने क्या काम किया है? जी, लेकिन बात एक सवाल लगातार जितेंद्र, एक सवाल लगातार ये उठ रहा है। अगर दौसा सीट की बात करें, जैसा कि हमारा आज का विषय भी है जातिवाद, इस बार जो टिकट्स का जो बंटवारा किया गया वो जातिगत रूप से ज्यादा ध्यान में रखते हुए किया गया कि या बात करें दौसा सीट की, तो जो वहां पर बात करें तो मीणा बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है। किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई को टिकट लगा दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। लगातार कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, इससे बड़ा उदाहरण पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हो सकता। किरोड़ी लाल जी स्वयं सवाई माधोपुर से विधायक हैं, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा जी महुआ से विधायक हैं, और तीसरे उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा जी, जिनके लिए काफी दिनों से संघर्ष थे, 10 साल पहले उन्होंने इस चीज के लिए उनसे VRS भी दिलवाया कि मुझे हर सूरत में मेरे भाई को राजनीति में लेके आना, और वो आज अपने मुकाम में हासिल हो गए हैं। तो आप देखिए, एक ही परिवार के 3 व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति को टिकट दिलाया है, 2 व्यक्ति ऑलरेडी पहले से विधायक है। इससे बड़ा कोई उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। जो बार बार बीजेपी जो जातिवाद का जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाती है, तो ये आप देख लीजिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। और आखिर वो अपने उस मिशन में वो सफल हुए और अपने छोटे भाई जगमोहन मीना जी को दौसा से वो टिकट दिला पाए। जी, क्या कुछ कहेंगे हितेंद्र? देखिए, जगमोहन जी मीणा जी, जहां तक विषय है, जगमोहन जी 10 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उसके पहले प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने सेवा की है। नहीं, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कौन कि सी एकदम से सक्रिय सीधे राजनीति व्यक्ति आ गए। में, कौन सी सक्रिय राजनीति में थे राजेंद्र जी की जगमोहन बात मीणा करें, जी? वो भी लगातार संघर्ष करते रहे। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लगातार जनता के बीच में रहे और जनता ने इस बार भरपूर आशीर्वाद दिया। परिवारवाद जैसी कई बात नहीं है। परिवारवाद उसे कहते हैं कि जैसे बड़ा क्या हमारे यहाँ की आप देखिए जी आप मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, सुनिए जी थोड़ा जी सा। हमारे यहाँ पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, कल कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, आप नाम बता सकते हैं उसका? आप नाम भैया, बता हमारे सकते हैं? मगर मैं हमारे आपके आने वाले 25 साल में भी कौन राजनीति करेगा और किसके नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी उसका नाम मैं आज बता सकता हूँ कि नहीं, 25 साल बाद आपका वो फला आदमी नेता बनेगा और उसके नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी। आपको हमारे संहिता भी किसी को नहीं पता, सामूहिक नेतृत्व में काम होता है। इसको वंशवाद नहीं कहते कि कोई व्यक्ति लगातार तो समय कहेंगे से वंशवाद, संघर्ष करता कहेंगे अपना भैया किसको वंशवाद, कहेंगे, तो बताइए ना। मुलायम सिंह जी के बाद पार्टी कौन चलाएगा?
क्योंकि अखिलेश जी चलाएंगे, अखिलेश जी के बाद कौन चलाएगा, तो डिंपल जी चलाएंगी, डिंपल जी के बाद कौन चलाएगा, तो उनके जो संतान रहेंगी वो चलाएंगी। ये परिवारवाद होता है, इसे परिवारवाद नहीं कह सकते हैं आप। सीधा सीधा आपने इससे बड़ा क्या उदाहरण सुना साबित हो सकता है? इससे बड़ा क्या होगा, मैं उदाहरण आपको साबित बता हो रहा हूँ सकता है, उनकी बताइए आप। पार्टी को, उनकी पार्टी का 20 साल बाद जो नेता बनेगा वो बनेंगे प्रियंका जी के, जो भी सुपुत्र सुपुत्री होंगे वो आपकी पार्टी के क्या नेता बड़ी बनेंगे। बड़ी लेकिन भविष्यवाणी बात कर रहे हो आप? देखो जात जी देखिए बात जातिवाद की हो रही है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 7 सीटों को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा दूर तक चले गए आप, वापस राजस्थान में एक बार वापस लौट आते हैं हितेंद्र जी। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में जातिवाद को लेके बात हो रही है लगातार, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। चलिए जगमोहन मीणा को लेके बात हुई, या फिर अगर हम बात करें राजेंद्र गुर्जर को लेकर, तो लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जातिगत वोट बांटे गए हैं, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जाति सच्चाई है समाज की, और ये व्यवस्था आज से नहीं बनी हुई है, सदियों से ये व्यवस्था बनी हुई है। सभी जाति वर्ग को साथ में लेकर जो पार्टी चल सकती है इस देश में, वही पार्टी आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, हम कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते। जैसा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो संविधान ही खत्म कर देंगे, आरक्षण ही खत्म कर देंगे। लोग देख रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में राहुल गांधी जी देश ही नहीं विदेश की धरती पे भी जाके बोल रहे हैं, और इस बार प्रदेश की जनता इनके झूठ को पहचान चुकी है और 7 सीटों पर इनको सबक सिखाएगी। जी राजेंद्र जितेंद्र जी, जी, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आपके सामने हैं। किस तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव हुए, किस तरीके से हमें जन समर्थन मिला? आप तो हमें क्लीन स्वीप करने वाले थे, आप तो हमारी हमारे जमानत जब्त कराने वाले थे। भैया, ये आपको लोकतंत्र है, कितनी ये मत की पेटी से वोट निकलता है, और वोट देख के सांसद चुन के आपको भेजे, आप ये मत कीजिए कितनी सीट मिली, जी। आपको कितनी सीट मिली भारत अरे में? आप तो 0 पे क्लीन वोट करने वाले थे भैया। आप तो खाता ही नहीं खुलेगा राजस्थान में, जो कि चलो राजस्थान की जनता ने आपको इस आईना पर दिखाया, राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया। हम लोग मेरिट में आके डिस्टिंक्शन लाके भी संतुष्ट नहीं है, और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, कहाँ चूक हुई है। उन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग पूरे समय प्रयास करते हैं। लेकिन विकास की बात मतलब कहाँ हो रही है? विकास की बात नहीं हो रही है जितेंद्र। लगातार कांग्रेस विकास पार्टी आरोप की बात लगाती जाती है कि नहीं कर पर्ची की सरकार है, रहे पर्ची की हैं। सरकार सरकार है, बनने के 10 महीने बाद में काम आज नहीं 10 महीने किया। पूरे हो गए। लीजा जी जी, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार के 10 महीने पूरे हो गए, घोषणा पत्र में बहुत सारी योजनाओं का पिटोरा जो लेके आए थे, आपने क्या किया? क्या एक भी योजना को अमलीजामा पहनाया? आप मुझे बताइए, युवाओं के लिए आपने क्या किया, रोजगार के लिए आपने क्या किया, आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, अब आप विकास की सुनते बात जाइए, करते हैं, एक-एक करके। एक काम अच्छा पूर्वी किया है आपने, राजस्थान, आपने हमारे कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बदलने का काम जरूर किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम जरूर किया है, ये अच्छा काम मैं किया बता है। रहा हूँ ना आपको, आपके पास ना कोई भविष्य की कोई योजना है, ना आप कोई धरातल पे काम करते हैं, जितेंद्र आप भाई सिर्फ मैंने जातियों को आपकी लड़ाने का काम सभी करते चीजों का हैं। जवाब दिया, मैंने आपकी जवाब जी क्यों कुछ कह दिया। हम रहे हैं हितेंद्र आप? लोग ना, हम लोग हमारे काम के दम पर, हमारे सभी नेता लोग हमारे काम के दम पर 10 महीने की सरकार में जो हमने काम किए उनको लेके, जनहित के मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं कुछ बातें बहुत छोटी छोटी थी आपके सामने रखना चाहूंगा। ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूर्वी राजस्थान का, राजस्थान के 21 जिलों की लाइफ लाइन ये ईआरसीपी साबित होगी। ईआरसीपी पे हमने तुरंत, आप सुनिए, हम लोगों ने आते ही इस पे काम चालू किया है, और हम लोग कह रहे हैं आपसे कि हम इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, और हम इसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, और इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। यमुना से जल लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। शेखावाटी क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल समस्या वर्षों से आजादी के 70 साल 75 साल से चली आ रही है, उसको पूर्ण रूप से दूर करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो हम लोग कर रहे हैं। युवाओं के साथ इन्होंने जो छलावा करा, 17-18 बार इनकी सरकार में पेपर लीक हुए, इनके कई कानून बड़े कानून नेता अधिकारी उसमें शामिल कांग्रेस रहे, इन सरकार सबको पकड़ के बनाया था, लाने ध्यान का रहे काम। आपको, लेकिन कानून ही कांग्रेस उसके सरकार पार्टी लेके आई। जी, क्या बोलिए ना आपके बाद? हितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि बीजेपी अक्सर बोलती है बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, हमारे पास लिस्ट है, तो बीजेपी उन लोगों के नाम क्यों नहीं उजागर कर पा रही अब तक? हमने स्वतंत्र है पकड़ सब, लिए, ठीक पकड़ है ना। लिए, और जो भी इसमें सामने आते जाएंगे, कटारा वगैरह, ये सब इनकी सरकार में पैसे देके बने थे।
उन सब लोगों को पकड़ने का काम हमने किया है। एसआई भर्ती में जो घोटाले हुए हम लोग को रोकने का काम हम लोगों ने किया है। नई भर्तियां खोलने का काम हमने किया है। महिलाओं को शिक्षक की भर्ती में 50% आरक्षण देने का काम हम लोगों ने किया है। 450 रुपए में महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर देने का काम हम लोगों ने किया है। ऐसा कौन सा काम है और किस वर्ग के लिए हमने काम नहीं किया है? और ये सब काम हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार को अभी पूरा कार्यकाल बाकी है। गहलोत साहब की तरह नहीं कि 4.5 साल तक तो किस्ता कुर्सी का। गहलोत साहब कह रहे कुर्सी नहीं छोड़ूंगा और पायलट साहब कह रहे कुर्सी पे नहीं बैठने दूंगा। 4.5 साल कुश्ती लड़ने में ही निकाल दिया और आखिरी के 6 महीने में जनता को चुनी ना देके बनाना चाह रहे थे। जनता समझदार है, जनता समझदार है, उसने वोट की चोट देकर कांग्रेस के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, करारा जवाब दिया है। और इस उपचुनाव में भी राजस्थान की जनता कांग्रेस के मुंह पे करारा जवाब देगी। पूरे प्रदेश में जितेंद्र मजाक बना सरकार जी, का, पूरे प्रदेश में आपकी सरकार का मजाक बना हुआ है। समझ नहीं आ रही अधिकारियों की कि सीएम हाउस के फोन पे काम करें या सीएमओ के फोन पे काम करें। कौन आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अलग अपना रास्ता, मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा करने के आगे फुर्सत नहीं है। दूसरा, अलग अलग डिप्टी सीएम जो घूम रहे हैं अपने आप में मुख्यमंत्री बनाते हुए, चीफ सेक्रेटरी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हुए, समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश चल क्या रहा है। आप जाइए ना जनता के बीच में कि प्रदेश प्रदेश में चल क्या रहा है। लोगों को यही नहीं लग रहा कि सरकार बदल गई। सरकार बनने के बाद में कुशासन जरूर नजर आ रहा है, सुशासन नहीं, कुशासन जरूर नजर आ रहा है। आप जो बता रहे हैं, इतनी सारी अनगिनत योजनाएं कांग्रेस सरकार में थी, अनगिनत योजनाएं, आप गिना नहीं पाओगे इतनी सारी योजनाएं। और जब दुनिया आपने की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, कोरोना जैसे संकट से राजस्थान को उभारने का काम किया कांग्रेस सरकार ने, आपको याद नहीं है? आपने कहा लड़ने का काम है। क्या आपके परिवार में झगड़ा नहीं होता? क्या आपकी पार्टी में नहीं होता? आप देखिए ना, भजन लाल जी को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कैसे काम करना है। आप भैया विकास का रोड चार्ट बनाइए, आपको आपको जनता ने समर्थन दे के वोट डाल के आपको सरकार में बहुमत दे के आपको सरकार बनाइए। आप विकास की बात करिए, काम करिए, बातों से कुछ नहीं होगा। हालांकि आप लोग पीएम हो एक चुके सवाल हो, जितेंद्र मेरा आपसे है कि लगातार पार्टियां जो हैं, बीजेपी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को जारी करने में काफी समय ले लिया, लगातार लंबे समय से गठबंधन का इंतजार कर रही थी, ये सोच रही थी, क्योंकि 84 सीट की बात करें तो लंबा समय ले लिया लिस्ट जारी करने के लिए, जातिगत आधार पर सीट देना चाह रही थी। इस बात की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। लिस्ट तो देरी से भी हो जाती है, इसमें इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कई बार कई सारे समीकरण होते हैं और संभाग वाइज वहां की विधानसभा की स्थिति के अनुसार, तो वो तो उसमें वो तो बीजेपी की भी हो जाती है। उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि लिस्ट जारी करने में हमें इनका इंतजार करना नहीं होता। वो तो हर पार्टियों की एक अलग अलग नीति रीति होती है और उसके मुताबिक वो लिस्टें आती है, देखिए, उसमें कोई ये उपचुनावों कोई की बात है, विकास की बात है, तो अगर विकास की बात की जाए तो लगातार बीजेपी पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी ने तो कर्ज में डुबोने का काम किया है, राजस्थान को कर्ज में डुबोने का काम किया है, चाहे वो देखिए मैडम, कोयले को लेकर हो या फिर बिजली को लेकर हो, लगातार कर्ज में डुबोया है राजस्थान को, जिसकी भरपाई बिजली बीजेपी पार्टी कर रही है। आप आपको आपको मालूम, सोलर के अंदर पूरे भारतवर्ष में अरुणाचल प्रदेश एक नंबर पे आता था। जब हमारी कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी तो पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश को पछाड़ के सोलर में, सोलर के उत्पादन में राजस्थान एक नंबर पर बना। और प्रदेश को कितना सपोर्ट केंद्रीय सरकार ने किया, ये आपको अच्छे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भी इतनी सारी गरीबों के लिए आपने देखा, युवाओं के लिए आपने देखा, बेरोजगारों के लिए लाखों भर्तियां निकाली थी कांग्रेस सरकार ने, गरीबों के लिए चिरंजीवी जैसी योजना निकाली थी। आपको मालूम होना चाहिए, गरीब बीमारी से ग्रसित होकर गरीब बर्बाद हो जाते थे, सुसाइड की नौबत आ जाते थे, मकान गहने सब कुछ बिक जाते थे। ऐसी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब चिरंजीवी जैसे योजना लेके आए, ना जाने अनगिनत सारी योजना लेके आए। कोरोना काल का आप विश्व महामारी से भी राजस्थान को उभारने का काम किया। आज ये तो कुछ भी, आज इनको शासन दिया है ना, आप करके बताइए क्या किया। आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, आप कर सकते हो हमारी सरकारों का नाम, हमारी सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी उनका नाम बदलने के अलावा आपने धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया। आपने कहा ईआरसीपी, ईआरसीपी में क्या किया भैया आपने, आप बताइए ना कि धरातल पे क्या किया है। ईआरसीपी का शिलान्यास भी हम करेंगे और ईआरसीपी का उद्घाटन भी हम ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप बातें बिल्कुल बातें तो चिंता मत करोगे कीजिए, आप, इसका बातें शिलान्यास और उद्घाटन दोनों हम करके जाएंगे।
नहीं, बातों में तो आप किसी को आगे नहीं आने दोगे, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन धरातल पे कीजिए ना, आपको सत्ता सत्ता में करके बताइए, अच्छी बात है, का करके जवाब बताइए। जनता दे गया थी, उन 7 सीटों पे जनता इस चीज का जवाब दे गया आपको, जो लोकसभा में भी प्रदेश आपने की कहा, सरकार पिछले 5 साल हितेंद्र, आपने एक सुधारा हितेंद्र नहीं जी, किया। एक सवाल मेरा आपसे है जी, एक सवाल मेरा आपसे, आप बात कर रहे थे विकास की, विकास को लेकर बात हो रही है, चुनावों में जनता इंतजार करती है कि विकास होगा, पार्टी कोई भी हो विकास करेगी, लेकिन आप विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात करते हैं तो डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहां से जो है लोग धीरे धीरे गुजरात की तरफ पलायन कर रहे हैं, रोजगार को लेकर तो समस्या अभी भी बरकरार है। बड़ा प्रतापगढ़, ये जितने भी हमारे आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, इनके लिए विशेष योजनाएं लेके आने का काम हम लोग कर रहे हैं। वहां पे अलग से पैकेज देके रोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत लंबे समय से वो क्षेत्र विकास को पिछड़े हुए रहे हैं, हम लोग उन गड्ढों को भर रहे हैं, वहां पे लोगों को जागरूक करके सीधा रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 50,000 भर्तियां मुख्यमंत्री जी ने चालू करी है, रोजगार मेले लगाने का काम हम कर रहे हैं। हम तो उत्सव के रूप में रोजगार लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, और अधिकतम लोगों को सीधा रोजगार मुहैया हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एमओयू करें, बाहर से एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्ट लेके आने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी बाहर ही घूमते रहते हैं, तो मुख्यमंत्री को राजस्थान के विकास के लिए सड़कों पे भी घूमना पड़ेगा, विदेश भी घूमना पड़ेगा और प्रदेश में भी घूमना पड़ेगा। गहलोत साहब की तरह पूरे 5 साल क्वारंटीन में रहकर नहीं निकाल सकते, कि जैसे ही प्रदेश से राष्ट्र से प्रवेक्षक आ रहे, गहलोत साहब क्वारंटीन हो जाया करते थे। प्रदेश की जनता कुछ भी नहीं इनके बोली है, और चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके प्रदेश की जनता इनके सभी के मुंह बंद करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके लगातार बोलती है कि, और अगर पिछले परिणामों की बात करें तो पिछले अगर जो भी उपचुनाव हुए कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक बेहतर रहा है, तो इस बार उस अभी तक का जो ढर्रा चलता आया, या फिर ये कहें कि अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई आई है, क्या बीजेपी इस बार उसको चेंज कर पाएगी? देखिए, हम लोगों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से विकास के नाम पे, हमारा संगठन इनसे बहुत ज्यादा मजबूत और बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस का कोई संगठन नाम की चीज नहीं है, कांग्रेस का कैडर आपस में लड़ रहा है, हमारे यहाँ सब हम एकजुटी होके काम कर रहे हैं। मेरे तो कांग्रेस के मित्र ने ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, हर घर में झगड़ा होता है, घर के झगड़े सड़कों पे नहीं आते, घर के झगड़े अजमेर से लेके जयपुर तक पदयात्रा के रूप में नहीं आ जाते। तो कांग्रेस की सरकार ने इस झगड़े में इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार बचाने वाले विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बना दिया था, वे सभी अपनी अपनी विधानसभा के मुख्यमंत्री थे और लूट खसोट में लगे हुए थे बेतहाशा। इसको सबने, जनता ने देखा है, और जनता कांग्रेस का सूपड़ा साफ इन चुनाव में करेगी, ये तय मानिए। कई सीटों पे मैं प्रमाणिक रूप से, मैं सभी सीटों पे होके आया हूँ, कहना चाहूंगा कि कई सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी, 7 में से कई सीटों पे तीसरे नंबर पे जाएगी कांग्रेस। सलूंबर सीट को किस तरीके से देखते हैं हितेंद्र जी? या बड़ा मतलब बीजेपी इस सीट को लेके बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार सलूंबर सीट पर जीत पक्की है। सलूंबर सीट हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और कांग्रेस जिन सीटों पे तीसरे नंबर पे जाएगी उसमें सलूंबर भी एक सीट है। लेकिन बीजेपी पे आरोप लगातार इस बात के लग रहे हैं कि सिंपैथी कार्ड खेल के जीत हासिल करना चाह रही है। हमने स्वर्गीय विधायक जी की पत्नी को टिकट दिया, वो राजनीति में सक्रिय है, 3 बार से सरपंच है, अभी भी वर्तमान में सरपंच है। ऐसा नहीं है कि सीधा घर से किसी को उठा के ले आए और चूला चौका करने से और सीधा टिकट दे दिया। वो राजनीति में सक्रिय है, जनसेवा कर रही है लगातार, जी, उस क्षेत्र का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। वहां क्या पे भी कुछ कहेंगे कांग्रेस ने जितेंद्र जी? लड़ाई ली, रघुवीर जी जी मीणा राजस्थान छोड़ के चले गए चुनाव के चक्कर में। जितेंद्र जी, जी मैम, जी बड़ा अभी सवाल अभी उठ रहा है, बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी चल रही है, किस तरीके से विकास होगा? पहले सचिन पायलट का एक अलग गुट हुआ करता था, गहलोत साहब का एक अपना गुट था, अब नया गुट बन गया है गोविंद सिंह डोटासरा का, तो फिर विकास किस तरीके से होगा, किसकी बात की सुनवाई होगी? मैडम, हम सब लोग, पूरा संगठन एक है, ये भ्रमक रूप से भ्रांतियां फैलाते हैं, बीजेपी का काम है। और कहीं भी आज पार्टी के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा जी, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनकी तरह दिल्ली दिल्ली से टेलीफोन या चिट्ठी वाला काम नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पार्टी पार्टी आलाकमान है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको सौंप रखी है, और जिम्मेदारी के नाते वो सबका चेयरमैन बहुत अच्छे बखूबी रूप से कर रहे हैं, बहुत अच्छे बखूबी रूप से वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है,
हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई भी मीटिंग, प्रदेश स्तरीय मीटिंग हमारे यहाँ जब होती है, हमारी मीटिंग में आपको, आप मैं पूछ रहा हूँ कि सलुम्बर विधानसभा में रघुवीर मीणा जी पूर्ण सांसद साहब कहाँ हैं, प्रचार क्यों नहीं कर रहे, वहां से पूर्ण जनप्रतिनिधि रहे हैं वो, नहीं, जनता आप, पूछ रही आपको, है, जनता पूछ रही है। अरे भैया आपको, आपके यहाँ हाजिरी लगा के आपको टेलीफोन करके बताएंगे कि वो कहाँ प्रचार कर रहे नहीं, हैं। वो तो दिखते हैं भैया, वो तो दिखता है, आप तो अपने लोग, क्या करिए सार्वजनिक रूप से बयान, सार्वजनिक रूप से एक सवाल ये भी नहीं। है जितेंद्र जी, कि लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक सब टीम में काम कर रहे हैं जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जब बिल्कुल सचिन बिल्कुल, पायलट की बात आती है तो लगातार देखिए कि अभी बीच में कुछ जो बड़ी मीटिंग्स हुई थी उसमें सचिन पायलट मौजूद नहीं रहे थे, उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए, किस तरीके से देखते हैं। अभी सचिन पायलट साहब कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले दौसा गए ना, आप देखिए दौसा गए, घर घर जाके उन्होंने प्रचार किया। सचिन पायलट साहब के पास भी अदर स्टेट की जिम्मेदारी है, वहां का उन्हें ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, वहां के प्रभारी उनको बनाया हुआ है, तो राजस्थान के साथ साथ में दूसरे स्टेट की उनकी जिम्मेदारी, उन्हें वहां भी काम का देखना होता है। जब उनको समय मिला तो वो अभी दौसा है, दौसा में हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रत्याशी उनका, हाँ, उन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, वहां उन्होंने मीटिंगें ली, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वसुंधरा जी को कहां गायब कर दिया इन्होंने? हमारे यहाँ तो गहलोत साहब, अभी आपने देखा होगा गहलोत साहब भी सक्रिय भूमिका में थे, महाराष्ट्र की भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, यहाँ रहते हैं, यहाँ भी वो काम करते हैं, सब लोगों से मिलना जुलना, लगातार टेलीफोनिक बातचीत होती है, संगठन से रिलेटेड बातचीत होती है। लेकिन वसुंधरा जी कहाँ है? इनके शीर्ष नेतृत्व ने इनको खारिज कर दिया, सिर्फ वहां से जो पर्ची में जो नाम आता है सिर्फ उसके उसका नाम आगे चलाते हैं। इतनी बड़ी नेता, 2 बार की मुख्यमंत्री यहाँ रही हुई थी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासचिव की उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, बिल्कुल कोई उनको नहीं पूछता। आप अभी जो हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर जो आरोप जो लगा रहे थे, हम एक जाजम पे सब लोग एक हैं, सब लोग बखूबी रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जो जो जिम्मेदारी है उनको मिली हुई है, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की मिली हुई है, पूर्ण रूप से सक्रिय है, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर की इनके, हमारे यहाँ सबका मान सम्मान रखा जाता है लेकिन विकास की यहाँ। अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले की यदि बात की जाए तो राजस्थान में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई, काफी ज्यादा बारिश हुई, और जिसके चलते आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली, तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो है ड्रेनेज सिस्टम की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं करी, जिसके चलते इतना ज्यादा जल भराव हुआ कि आम जनता परेशान हुई, और बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस की गलतियों को जो है अब हम भरपाई कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसको रिकवरी पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस पार्टी की दिखा रहे हैं। मैडम कांग्रेस का तो विकास, विकास की बात करेंगे तो ये लोग कहीं हमसे बात ही नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से बहस ही नहीं कर पाएंगे, इतना विकास किया। रही ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं पे सरकारों का नियंत्रण नहीं होता, हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये ईश्वर के हाथों की चीजें होती हैं। और कई बार, अब की बार जो बारिश का रिकॉर्ड आपने देखा, 27 साल के बाद पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी बारिश हुई, उस बारिश की वजह से आप जानते हो कि जीवन काफी ज्यादा लेकिन प्रभावित ड्रेनेज होता है। सिस्टम को लेके सवाल उठे जितेंद्र जी, बड़ा सवाल ये उठा कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में सही से नहीं करी, जिसका परिणाम ये रहा कि सड़कों पर पानी जमा हुआ, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। नहीं, भारी बारिश, बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा थी और वो लगातार तो बारिश पे मतलब आप बारिश हो ये रही कह थी। रहे हैं कि पार्टी ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं ठीक की थी, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही था। बिल्कुल बिल्कुल ड्रेनेज, लेकिन कई बार क्या होती है, अतिवृष्टि इतनी बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो सब चीजें हाथ में बस नहीं होती, लेकिन बहुत अलग हटके हमारे यहाँ काम हुआ था, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, जी और क्या कुछ सबका, कहेंगे आपने जितेंद्र? कहा, पूर्ण अच्छे तरीके से देखिए, काम हुआ। आपने अतिवृष्टि वाला विषय लाया, इस पे मैं कुछ ध्यान आकर्षण चाहूंगा आप सभी लोगों का। जी अतिवृष्टि हुई, सच्चाई है कि अतिवृष्टि हुई, प्राकृतिक प्रकोप था, प्राकृतिक प्रकोप से निमटने के लिए, उससे सब चीजें करने के लिए हम लोग सरकार में रहते हुए, हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इन सभी चीजों में जो मदद जहां पे कर सकता था कर रहा था, सभी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सभी लोग जहाँ पे जो मदद कर सकते थे हमसे, यथा योग्य जो मदद हो सकती थी क्षेत्र की जनता की, हम लोग कर रहे थे। मगर पूरे समय इस प्राकृतिक आपदा में, इस 10-11 महीने के विपक्ष के कार्यकाल में, विपक्ष पूरे प्रदेश से नदारद है। हम लोगों ने 5 साल तक कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लाठियां खाई थी, सड़कों पे हम लोगों ने विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
पूरे साल भर 11 महीने में कांग्रेस ने एक बार भी सड़क पर उतर के कोई बात की हो तो आप हमें बताएं। अतिवृष्टि के समय पे कांग्रेस का एक भी नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ने जनता के बीच में आकर जनता की मदद नहीं की थी। तो जनता ने ये सारी चीजें देखी है और हम ये सब चीजें लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस का टुकड़ा था होगा ये आप तय मानिए। जी, तो फिलहाल देखिए अभी अगर एक बार हम लोग क्लोजिंग नोट की बात करें, समय का थोड़ा अभाव है, तो इस बार जैसा कि उपचुनावों को लेकर हम बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, जातिवाद की बात हो रही है, तो जिस तरीके से इस बार टिकट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो जातिगत तौर पर ज्यादा हुआ है, जातिवाद ज्यादा देखने को मिला है, लगातार इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, तो इस बार क्या कुछ परिस्थितियां अभी जो बनी हुई है उसको देखते हुए क्या कुछ विकास कर पाएंगे, और क्या लगता है कि इस बार बीजेपी पार्टी चुनावी जो दंगल है इसमें जीत पाएगी? देखिए हमारे पास एक सीट है अभी इसमें से सलूम्बर सीट। हम आपसे ऑन रिकॉर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे मजबूती से लड़ रही है और हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। और मैं फिर पुनः अपनी बात कहना चाहूंगा कि कम से कम 3 से 4 सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे आने जा रही है। कांग्रेस सत्ता पक्ष में रहते हुए सत्ता के लिए अपना अधिकार खो चुकी थी और अब विपक्ष में भी जनता इनको नकारेगी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कहीं भी कोई सक्रियता से जनता की आवाज नहीं उठा पा रही है। जी, क्लोजिंग नोट एक बार लेना चाहेंगे जितेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके से बात करें सचिन पायलट को लेकर, गहलोत को लेकर, या फिर ये कहें कि वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा को अगर लेकर बात करें, तो लगातार जिस तरीके से आरोप की जो झड़ियां लग रही हैं, तो इस बीच में उपचुनावों पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत है। हम सब एकजुट होकर, एक मत होकर, एक जाजम पे सबकी सभी सहमति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सातों की सातों सीटें हम जीतेंगे। और इनका जो घोषणा पत्र, जब इन्होंने घोषणा करी, इनके घोषणा पत्र को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। थोता जो घोषणा पत्र है, झूठ का जो पुलंदा है, वो बताएंगे कि 10 महीने के अंदर सत्ता में होने के बाद एक भी योजना को अमली जामा ये नहीं पहना पाए। झूठ का इनके पास बहुत बड़ा पिटारा है। झूठ बोलने में बीजेपी बहुत बड़ी महारती हासिल कर चुकी है और इसका इसका खामियाजा इनको लोकसभा में भी देखने को मिला। जो हमारी पार्टी की जिस तरीके से जमानत जब्त कराने की बार बार जो बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जनता सब देख रही है। और अभी तो 10 महीने हुए हैं, 10 महीने में एक सुशासन जो होना चाहिए था राजस्थान में, सुशासन नहीं, यहाँ कुशासन लोगों को नजर आ रहा है। बच्चे बच्चे से आप पूछिए मुख्यमंत्री कौन है, तो आज भी लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। भजन लाल जी को कोई जान नहीं पा रहा है। सरकार सरकार का मैसेज पब्लिक के बीच में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम पूरे दावे के साथ, पूरे वादे के साथ, जो सरकार कांग्रेस में हमारी सरकार रही थी, उन कामों के आधार पे और इनके झूठ के पुलंदे के पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और 7 की 7 सीटें हम फतेह करेंगे। ये हमें भरोसा है, विश्वास है। पूरी पार्टी एकजुट है, पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कोई अलग नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी रूप से निभा रहे हैं। जी, तो फिलहाल आज का जो हमारा चर्चा का विषय था, विकास की बात या जातिवाद का उपचुनाव, दोनों ही हमारे जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ हितेंद्र जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए ये तो बात रही राजस्थान में उपचुनावों को लेकर, तो उपचुनावों में अभी होने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर को कस लिया है, तैयारियां लगातार तेज हैं। अब इसका क्या कुछ परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। विकास की बातें जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये कितना धरातल पे रहकर काम हो पाएगा, कौन सी पार्टी अपने पाले में जीत लेके जाएगी, ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, नमस्कार।